हम चल दिए अब बिना टाइम गवाए माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। और माँ मनसा देवी का यह मंदिर हरिद्वार से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मंदिर तक पहुँचने के लिए पैदल रास्ता तथा केबल कार, जिसे यहाँ देवी उड़न खटोला के नाम से पुकारा जाता है, उसके द्वारा जाया जा सकता है। मनसा देवी का यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी की 2 मूर्तियाँ स्थापित हैं तथा मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा वृक्ष लगा हुआ है, जिसमें श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए धागा बांधते हैं और माँ मनसा देवी के समक्ष प्रण लेते हैं कि वे भविष्य में दोबारा माता के दर्शन करने अवश्य आएंगे। मनसा देवी हम आ चुके हैं और हमने प्रसाद लिया नीचे से। वैसे यहाँ 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है ये, और इसमें आप पैदल भी आ सकते हो और मतलब कैसे भी आ सकते हो, पर हम तो बाइक से आए हैं क्योंकि धूप काफ़ी हो रही है ना इसलिए। और पता अभी मैं वहाँ पे नहा रहा था, उस जगह ना वहाँ पे नहा रहा था, अभी हमें वहाँ पर दिख रहा है वहाँ पे। और वो पहाड़ी देख रहे हो दूसरी तरफ, उधर है माँ चंडी देवी, जो कि मनसा देवी के दर्शन करने के बाद जाएंगे। सीढ़ियों की चढ़ाई बहुत बड़ी है, थक गए जब चली गए यार, काफी टाइम हो गया। मैंने प्रसाद ले लिया जो कि चढ़ाऊंगा ऊपर। जय माता दी, लाइन लग रहा हूँ, चलने लग रहा हूँ। जय माता दी, जय माता दी। पर इन्होंने LED भी लगा रखी है जो कि मनसा देवी के बिल्कुल साफ दिखा रहे हैं, जो इसके दर्शन ठीक से ना हो पाए क्योंकि भीड़ काफी रहती है ना यहाँ पे। जल्दबाजी ना करें आप, और इतनी बाई इतनी दूर आए हो, फिर इतनी लंबी चढ़ाई भी चढ़ी है आपने, तो आप आराम से जब भीड़ हो 2 मिनट और रुक के आराम से दर्शन करें पूरे, उसके बाद आगे बढ़े। माँ मनसा देवी को नाग माता तथा विश्व की देवी के नाम से जाना जाता है, और उनके चारों ओर सर्प व नाग सदैव उनकी रक्षा के लिए विद्यमान रहते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायियों का प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ स्थान है। यहाँ पहाड़ियों से निकलकर भागीरथी गंगा पहली बार मैदानी क्षेत्र में
आती है। गंगा के उत्तरी भाग में बसे हुए बद्रीनारायण तथा केदारनाथ नामक भगवान विष्णु और शिव के प्रसिद्ध तीर्थों के लिए इसी स्थान से मार्ग जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ मैं आपको संपूर्ण दर्शन कराऊंगा माँ चंडी देवी के। भाई चंडी माता की चढ़ाई बहुत हार्ड है यार।